वा यो फोटो का परिचय। साधारण कैमरे से लिया गए चित्रों से हम सभी परिचित हैं। ये चित्र किसी लक्ष्य की उस स्थिति को प्रस्तुत करते हैं जैसे हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरे शब्दों में लक्ष्य से खींचे गए फोटो के द्वारा उसका क्षैतिज संदर्भ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए किसी बस्ती के एक भाग का चित्र वैसा ही संदर्भ प्रस्तुत करता है जैसे कि देखने पर प्रतीत होता है। चित्र 6.1। यदि हम धरातलीय आकृति का विहंगम दृश्य लेना चाहते हैं तो ऐसे दृश्य को पाने के लिए हमें धरातल से ऊपर जाना होगा। चित्र 6.1 मसूरी शहर का स्थलीय चित्र। ऊपर जाकर नीचे देखने पर हमें एक बिल्कुल भिन्न संदर्भ दिखाई देता है। वायु चित्र में मिलने वाला यह संदर्भ वायवक संदर्भ कहलाता है। चित्र 6.2 में वायुवान या हेलीकॉप्टर से लगे परिशुद्ध कैमरे के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ को वायव फोटोग्राफ कहा जाता है। इस तरह से प्राप्त किए गए फोटोग्राफ स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाने तथा लक्ष्यों को व्याख्या करने के लिए लिए उपयोगी होती है। चित्र 6.2 उत्तराखंड की टिहरी शहर की विहंगम दृश्य लिया गया है। शब्दावली अग्र अति व्यापन उड़ान की दिशा में खींचे गए एक ही क्षेत्र के दो क्रमिक फोटोग्राफ पुनरावृत्ति भाग इसे प्राय प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अधोबिंदु कैमरे लेंस के केंद्र से भूविन्यास पर खींचे गए लंबा का निचला भाग निर्देश चिन्ह ये कैमरे के मध्य केंद्र या चारों किनारों में सूचक चित्र होते हैं। जब फिल्म को निकाला जाता है तब ये फिल्म निगेटिव पर दिखाई देती है। प्रतिबिंब चिन्ह निर्वाचन लक्ष्यों के बिंबों को पहचानने एवं उनके सापेक्षिक महत्व को के संबंध को जानने का कार्य। फोटोग्रामिति वाय फोटो के माध्यम से विश्वसनीय माप लेने का विज्ञापन एवं तकनीकी मुख्य दूरी आंतरिक संदर्भ केंद्र से फोटोग्राफ की सतह की लंबवत दूरी वायवक फोटो परिशुद्ध हवाई कैमरे द्वारा वायु किसी वायुवाहित प्लेटफार्म से लिए गए चित्र वायवक फोटोग्राफ वायुवाहित प्लेटफार्म से लिए जाने वाले वायवक फोटो की कला विज्ञान एवं तकनीकी वायु फिल्म या उच्च संवेदनशील उच्च अंतर विभेदन क्षमता तथा विमीय स्थिर इमल्शन आधार वाला फिल्म का रोल होता है। वायु कैमरा यह विशेष रूप से वायुवान में प्रयोग किए जाने वाली परिशुद्ध कैमरा है। संदर्भ बिंदु प्रकाश की किरणों के बंडल की उत्पत्ति बिंदु भीतर संदर्भ केंद्र या अंत भाग बाहरी सकेंद्र। प्रथम वायवक फोटो 1858 में फ्रांस में एक गुब्बारे के द्वारा लिया गया था किंतु 1909 में पहली बार वायव फोटो खींचने के लिए वायुवान का प्रयोग हुआ। जब इटली के एक नगर की फोटो खींची गई इन दोनों विश्व युद्ध के दौरान वायवक फोटो की का अधिकता से उपयोग हुआ। भारत में वायवक फोटो के विकास के बारे में भाष 6.1 में संक्षिप्त में दिया गया है। भाष 6.1 भारत में वायव फोटो भारत में सबसे पहला 1920 में बड़े पैमाने पर आगरा शहर का वायव फोटो लिया गया था जिसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वायु सर्वेक्षण के द्वारा इरावदी डेल्टा के वनों का वायु सर्वेक्षण किया गया जो कि 1923 से 24 के दौरान पूरा हुआ था। इसके बाद इसी प्रकार के अनेक सर्वेक्षण किए गए तथा वायव फोटो से मानचित्र बनाने की उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया। आजकल भारत में पूरे देश में वायव फोटो वायु सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली की देख रेख में किया जाता है। तीन उड्डयन एजेंसियां भारतीय वायुसेना वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदिक संस्थान हैदराबाद को भारत में वायव फोटो को लेने के लिए सरकारी तौर पर अधिकृत किया गया है। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए वायव फोटो के तंदुरुन की प्रक्रिया को APFS पार्टी ने 73 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वायु सर्वेक्षण निदेशालय पश्चिमी ब्लॉक 4 RK पुरम नई दिल्ली 11066 के साथ जोड़कर सुलभ बनाया गया है। वायव फोटो के उपयोग
वह फोटो का उपयोग स्थलाकृत मानचित्रों को खींचने एवं उसका निर्वचन करने के लिए किया जाता है। इन दो विभिन्न उपयोगों के कारण फोटोग्रामित तथा फोटो प्रतिबिंबित निर्वाचन के रूप में दो स्वतंत्र लेकिन एक दूसरे से संबंधित विज्ञापनों का विकास हुआ है। फोटोग्रामित यह वायवक फोटो के द्वारा विश्वसनीय मापन का विज्ञान एवं तकनीकी है। फोटोग्रामिति के सिद्धांत इस प्रकार के फोटो की परिशुद्धता लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई की माप प्रदान करते हैं। इसीलिए स्थलाकृति मानचित्रों को तैयार करने एवं उन्हें अद्यतन बनाने में ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रतिबिंब निर्वाचन यह वस्तुओं के स्वरूप को पहचानने तथा उनके सापेक्षिक महत्व से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया। प्रतिबिंब निर्वाचन के सिद्धांत के प्रयोग से वायवक फोटो की गुणात्मक जानकारी ज्ञात की जा सकती है, जैसे भूमि उपयोग, स्थलाकृतियों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार इत्यादि। इस प्रकार एक दक्ष इंटरप्रेटर वायवक फोटो का उपयोग करके वातावरणीय प्रक्रम एवं कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन का विश्लेषण करता है। वायवक फोटो के लाभ धरातलीय प्रेक्षण में वायवक फोटो के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। वायवक फोटो हमें बड़े क्षेत्रों के विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं, जिसके कारण हम पृथ्वी की सतह की आकृतियों को उनके स्थानीय संदर्भ में देख पाते हैं। वायवक फोटो स्थलाकृतियों के प्रकाशकरण का एक बार में लिया गया अभिलेखन है, इसीलिए इसका उपयोग ऐतिहासिक अभिलेखनों में किया जाता है। वायवक फोटो को लेने में उपयोग की जाने वाली फिल्म की संवेदनशीलता मानवीय आंखों की संवेदनशीलता से अधिक होती है। हमारी आंख विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र अर्थात 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर में देखी जा सकती है, जबकि फिल्म की संवेदनशीलता 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर के बीच होती है। त्रिविमीय संदर्भ वायवा फोटो सामान्यतः एक समान अनावरण अंतराल के साथ लिए जाते हैं, जो कि हमें फोटो फ्रेम के त्रिविमीय युग्म प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के चित्रों के युग्म हमें धरातलीय दृश्यों को त्रिविमीय स्वरूप प्राप्त करने में सहायता करते हैं। वायवा फोटो के प्रकार वायवा फोटो का वर्गीकरण कैमरा अक्ष मापनीय व्याप्ति क्षेत्र की कोणीय विस्तार एवं उसमें उपयोग में लाई गई फिल्म के आधार पर किया जाता है। कैमरे के प्रकाशीय अक्ष तथा मापक के आधार पर वायवक फोटो को निम्न प्रकार हैं। कैमरे अक्ष की स्थिति के आधार पर वायव फोटो के प्रकार कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायव फोटो को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर फोटो, अल्प तिर्यक फोटोग्राफ, अति तिर्यक फोटोग्राफ, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ वायव फोटो को खींचते समय कैमरा लेंस के केंद्र से दो विशिष्ट अक्षों की रचना होती है, एक धरातलीय तल की ओर एवं दूसरा फोटो के तल की ओर। कैमरा लेंस केंद्र से धरातलीय तल पर दिए गए लंब के ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है, जबकि लेंस के केंद्र से फोटो की सतह पर खींची गई साहुल्य रेखा को फोटोग्राफी अब ऑप्टिकल अक्ष कहते हैं। जब फोटो की सतह को धरातलीय सतह के समांतर रखा जाता है तब दोनों अक्ष एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस प्रकार फोटो को ऊर्ध्वाधर वायव फोटो कहते हैं। चित्र 6.3 और 6.4 यद्यपि दोनों सतहों के बीच समानांतर प्राप्त करना काफी कठिन होता है, क्योंकि वायुयान पृथ्वी की वक्रीय सतह पर गति करती है। इसीलिए फोटोग्राफ के अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष से विचल हो जाते हैं। यदि इस प्रकार का विचलन धनात्मक या ऋणात्मक 3 डिग्री के भीतर होता है तो लगभग ऊर्ध्वाधर वायवक फोटो प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष से प्रकाशीय अक्ष में 3 डिग्री से अधिक विचलन वाले फोटोग्राफ को नत फोटोग्राफ कहते हैं। ये फोटो तल कैमरा लेंस कैमरा अक्ष ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री आवर्त लेंस ऊर्ध्वाधर फोटो वायवक ये अर्नमई नीदरलैंड में लिया गई ऊर्ध्वाधर वायवक फोटो दिखाई गया है। चित्र 6.4 में अल्प तिर्यक फोटोग्राफ ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरा अक्ष में 15 से 30 डिग्री अभिकल्पित विचलन के साथ लिया गया वायवक फोटो को अल्प तिर्यक फोटोग्राफ कहते हैं। चित्र 6.5 और 6.6 इस प्रकार के फोटोग्राफ का उपयोग प्रायः प्रारंभिक सर्वेक्षण में होता है। फिल्म
कैमरा लेंस ऊर्ध्वाधर अक्ष कैमरा अक्ष 30 डिग्री आवर्तक क्षेत्र निम्न तिर्यक व फोटो चित्र में लिया गया। अर्ने इम नीदरलैंड का अल्प तिर्यक फोटो अति तिर्यक फोटोग्राफ ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरे की धुरी को लगभग 60 डिग्री झुकाने पर एक अति तिर्यक फोटोग्राफ प्राप्त होता है। चित्र 6.7। इस प्रकार की फोटोग्राफ भी प्रारंभिक सर्वेक्षण में उपयोगी होती है। फोटो तल कैमरा लेंस ऊर्ध्वाधर अक्ष 40 डिग्री कैमरा अक्ष आवर्त क्षेत्र अति तिर्यक वायवक फोटो दिखाई गई है। सारणी 6.1 में ऊर्ध्वाधर एवं तिर्यक फोटोग्राफ की तुलना की गई है। सारणी 6.1 फोटोग्राफ की तुलना विशेषता ऊर्ध्वाधर अल्प तिर्यक अति तिर्यक प्रकाशीय अक्ष झुकाव 3 डिग्री से कम यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष से लगभग मिला हुआ ऊर्ध्वाधर अक्ष से 30 डिग्री का विचलन अक्ष से विचलन ऊर्ध्वाधर अक्ष से 30 डिग्री से अधिक हो। गुण क्षैतिज प्रतीत होता है। विस्तार छोटे क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों में सबसे बड़े क्षेत्रों में फोटोग्राफ वाले क्षेत्र का आकार वर्ग समलंबी मापनी क्षेत्र समतल हो तो एक समान सामने की सतह से पीछे की ओर घटता है मानचित्र से तुलना के आधार पर अंतर सबसे कम अपेक्षित सबसे अधिक लाभ स्थलकृत एवं थीमैटिक मानचित्र में उपयोगी अवीक्षिक सर्वेक्षण व्याख्यात्मक मापनी के आधार पर वायवक फोटो के प्रकार मापनी के आधार पर वायवक फोटो को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। बृहत मापनी फोटोग्राफ जब एक व फोटो की मापनी 1:15,000 तक इससे बृहत होती है तो इस प्रकार के फोटोग्राफ को बृहत मापनी फोटोग्राफ कहते हैं। चित्र 6.8 में दिखाया गया अर्ने इम का 1:5,000 का बृहत फोटो मापनी फोटोग्राफ का दृश्य ये प्रदर्शित है। मध्यम मापनीय फोटोग्राफ वह फोटो अब जिसकी मापनी 1:15,000 से 1:30,000 के मध्य होती है इसे सामान्यतः मध्यम फोटो मापनी फोटोग्राफ कहा जाता है। चित्र 6.9 में अर्ने इम का 1:20,000 का मध्यम मापनीय फोटोग्राफ प्रदर्शित है। लघु मापनीय फोटोग्राफ 1:30,000 से लघु मापक वाले फोटोग्राफ को लघु मापनीय फोटोग्राफ कहा जाता है। चित्र 6.10 में प्रदर्शित है अर्ने इम का 1:40,000 का लघु मापनीय फोटोग्राफ वायवक फोटो की ज्यामिति एक वायव फोटो की ज्यामिति को समझने के लिए धरातल के सापेक्ष किसी फोटोग्राफ के अनुस्थापन को जानना आवश्यक है। भू प्रदर्शन के संबंध में धरातल पर किरणें किस प्रकार प्रक्षेपित होती हैं इसे प्रक्षेपों के निम्नलिखित 3 उदाहरण इस समस्या को समझने में उपयोगी होंगे। समांतर प्रक्षेप इस प्रक्षेप में प्रक्षेपित किरणें समांतर होती हैं परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे लंब हो। त्रिभुज ABC को L1 रेखा पर प्रक्षेपित किया गया है जिसका प्रक्षेपित त्रिभुज ABC चित्र 6.11 में दिखाया गया है। ABC इसका स्मॉल ABC नीचे L और L1 रेखा पर समांतर प्रक्षेप 6.11 चित्र प्रदर्शित है। लंब कोणीय प्रक्षेप या समांतर प्रक्षेप की एक विशेष स्थिति है। मानचित्र धरातल पर लंबकोणीय प्रक्षेप होते हैं। इस प्रक्षेप का प्रमुख गुण यह है कि इसमें धरातलीय दूरियां लक्ष्य कोण तथा क्षेत्र सभी किसी लक्ष्य के उच्चता अंतरों से मुक्त होते हैं। चित्र 6.12 एक लंबकोणीय प्रक्षेप का उदाहरण है जहां प्रक्षेपित किरण रेखा L1 के लंबवत है। चित्र 6.12 लंबकोणीय प्रक्षेप ABC से L1 ABC है। केंद्रीय प्रक्षेप चित्र 6.13 में केंद्रीय प्रक्षेप का एक उदाहरण दिखाया गया है। प्रक्षेपित किरणें AA, BB एवं CC एक ही बिंदु O से गुजरती हैं जिसे संदर्भ केंद्र कहते हैं। एक लेंस के द्वारा प्रक्षेपित आकृति को केंद्रीय प्रक्षेप माना जाता है। जैसा कि पहले समझा जा चुका है कि वायव फोटो केंद्रीय प्रक्षेप पर निर्मित होते हैं। एक विशुद्ध ऊर्ध्वाधर समतल भूभाग का वायव फोटो ज्यामिति रूप से उस क्षेत्र के मानचित्र के समान ही होगा किंतु फोटोग्राफ में झुकाव तथा धरातलीय उच्च
वच्चों के कारण वह फोटो की ज्यामिति उस क्षेत्र के मानचित्र से भिन्न होती है, जैसा कि चित्र 6.14 में दिखाया गया है। एस कैमरा लेंस का एक केंद्र है धरातलीय सतह से आती हुई किरण पुंज इस बिंदु पर अभिसृत हो जाती है तथा वस्तुओं के चित्र बनाने के लिए नेगेटिव फोटो की सतह की ओर अपसरित हो जाती है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि केंद्रीय प्रक्षेप में संगत बिंदुओं को मिलाने वाली सभी सीधी रेखाएं अर्थात वह सीधी रेखा जो वस्तु एवं आकृति के संगत बिंदुओं को जोड़ती हैं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। चित्र 6.14 में इसी संबंध को दर्शाया गया है। सीधी रेखा ए ए आई बी बी आई सी सी आई एवं डी डी आई धरातल से के चित्रों तथा नेगेटिव सतह के बिंदुओं को मिलाती हैं। उदाहरण के लिए धरातल पर स्थित ए तथा नेगेटिव सतह पर स्थित ए वन एक रेखा है जो कि कैमरे लेंस से होकर गुजरने वाली संगत बिंदुओं को मिलाती है। यदि कैमरा अक्ष से होते हुए नेगेटिव की सतह पर एक लंब खींचा जाए तो जिस बिंदु पर यह लंब मिलता है उसे प्रधान बिंदु मुख्य बिंदु कहते हैं। चित्र 6.14 में भी यदि हम इसी रेखा को बढ़ाकर धरातल तक लाते हैं तो यह खींचे गए चित्र की सतह पर पीजी बिंदु पर अर्थात धरातलीय प्रधान बिंदु पर मिलेगी। इसी प्रकार यदि हम एस से होते हुए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं तो यह फोटो चित्र 6.13 केंद्रीय प्रक्षेप ओ ए बी सी नीचे स्मॉल ए बी सी एल वन और एल के बीच का है। यह फोटो निगेटिव के रूप के एक बिंदु पर मिलेगी जिसे अधो बिंदु कहा जाता है। यह धरातल पर उसके अधो बिंदु पर मिलती है। चित्र 6.3 6.5 6.7 में देखें कि अवलंब रेखा तथा कैमरे का अक्ष ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ के लिए संपाती होती है जबकि तिर्यक फोटोग्राफ में ये पृथक्करण होते हैं। इस प्रकार अर्ध फोटोग्राफ में प्रधान तथा अधो बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हैं। तिर्यक फोटोग्राफ में कैमरा अक्ष एवं अवलंब रेखा के बीच का कोण झुका होता है। चित्र 6.14 में ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ की पॉजिटिव तल एवं निगेटिव तल को दर्शाया गया है। पॉजिटिव एवं निगेटिव तल की ज्यामिति समान होती है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि कैमरा लेंस एक निगेटिव सतह के बीच के लंबवत दूरी एस पी की फोकस दूरी फोकल लेंथ कहा जाता है। दूसरी ओर कैमरा लेंस एवं चित्रित धरातल के बीच की लंबवत दूरी एस पी जी को उड्डयन तुगांत कहा जाता है। ये नेगेटिव बी आई ए आई डी आई सी आई अधो बिंदु बीच में संदर्भ बीच वाली में ए बी सी डी पॉजिटिव और नीचे ए नीचे वाले में आपका बन गया ए बी सी और कैपिटल सी पी जी भूमि अधोबिंदु भूमि फोटोग्राफ ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ की ज्यामिति 6.14 में प्रदर्शित है। मानचित्र एवं वायव फोटो के बीच अंतर। मानचित्र में वायव फोटो से सीधे अनुरेखित नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि प्रक्षेप तथा एक मानचित्र के संदर्भ एवं एक वायव फोटो के बीच मूलभूत अंतर होता है। सारणी 6.2 में ये अंतर दर्शाए गए हैं। सारणी 6.2 मानचित्र एवं वायव फोटो में अंतर। वायव फोटो मानचित्र ये केंद्र प्रक्षेप पर निर्मित होता है। ये एक लंब कोणीय प्रक्षेप पर निर्मित होती है। वायव फोटो ज्यामिति रूप से अशुद्ध होता है। इसमें केंद्र से किनारे की ओर विकृतियां बढ़ जाती हैं। मानचित्र पृथ्वी के प्रक्षेपित भाग को का उपयुक्त ज्यामिति प्रदर्शन है। वायव फोटो की मापनी एक समान नहीं होती है। मानचित्र के लिए मापनी एक समान होती है। विवर्धन लघुकरण किए जाने पर इसके विषय सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। मानचित्र को पुनः निर्मित कर ही विवर्धन लघुकरण किया जा सकता है। अगम्य एवं अवास्म क्षेत्रों के अध्ययन के लिए वायव फोटो उपयोगी होता है। अगम्य एवं अवास्म क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना बहुत कठिन है तथा कभी कभी यह असंभव भी हो जाता है। किसी ऊर्ध्वाधर वायव फोटो की तब ही एक निश्चित मापनी होगी जबकि इसका भूभाग समतल हो। वायव फोटो से मानचित्र बनने के पूर्व उनके संदर्भ दृश्य में समतल मिति दृश्य में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इस तरह के रूपांतरित चित्रों
ऑर्थोफोटो कहा जाता है। ऑर्थोफोटो कहा जाता है वह फोटो की मापनी। मानचित्र मापनी से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। वह फोटो की मापनी का की संकल्पना मानचित्रों की मापनी के समान ही होता है। वह फोटो पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं उनके वास्तविक धरातल पर दूरी के मध्य अनुपात को माप सकते हैं। इसे इकाई समतुल्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि 1 इंच बराबर 1000 फीट या 12000 इंच या निरूपक भिन्न 1:12000। आकल की शुद्धता के साथ मापनी यह भी निश्चित करती है कि कौन सा तत्व दृश्य होंगे अथवा कौन सी आकृति कैसी प्रतीत होगी। वायो फोटो का विश्लेषण करते समय प्रायः वस्तुओं की संख्या के संबंध में अनुमान लगाना किसी विशेष मात्रा वाले पदार्थ से आच्छादित क्षेत्र अथवा कुछ आकृतियों को उनकी लंबाई के आधार पर पहचानना आवश्यक हो जाता है। वायो फोटो की व्याख्या के समय उपरोक्त विवरणों को ज्ञात करने के लिए क्षेत्रों एवं उनकी लंबाई का अनुमान लगाना अनिवार्य होता है, जिसके लिए फोटो की मापनी की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वायो फोटो की मापनी की गणना के लिए 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं जो विभिन्न सूचनाओं पर आधारित होती हैं। प्रथम विधि फोटो एवं धरातलीय दूरी के बीच संबंध स्थापित करना। यदि वायो फोटो में कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है जैसे धरातल पर दो पहचानने योग्य बिंदुओं की दूरी, तो एक ऊर्ध्वाधर फोटो की मापनी सरलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है। यदि वायो फोटो पर मापी गई दूरी डीपी के साथ धरातल डीजी की संगत दूरी ज्ञात हो तो वायो फोटो की मापनी को इन दोनों के अनुपात यानी DP/DG में मापा जाएगा। प्रश्न 6.11। वायो फोटो में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 2 सेंटीमीटर मापा जाता है। उन्हीं दो बिंदुओं के बीच धरातल पर वास्तविक दूरी 1 किमी है, तो वायो फोटो SP की मापनी की गणना करें। SP=DP/GP अर्थात 2 सेंटीमीटर/1 सेंटीमीटर अर्थात 2 सेंटीमीटर/1 लाख सेंटीमीटर अर्थात 1×1 लाख/2 यानी 50,000 सेंटीमीटर। एक इकाई 50,000 इकाई को व्यक्त करती है, इसलिए SP=1:50,000। द्वितीय विधि फोटो दूरी एवं मानचित्र दूरी में संबंध व्यक्त स्थापित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल पर विभिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा ज्ञात नहीं होती, किंतु अगर एक वायो फोटो पर दिखाए गए क्षेत्र का मानचित्र उपलब्ध हो तो इसका उपयोग फोटो मापनी को ज्ञात करने में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मानचित्र एवं वायो फोटो पर पहचानने जाने वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें वायो फोटो SP की मापनी की गणना करने में सहायता प्रदान करती है। इन दोनों दूरियों के बीच के संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। फोटो मापनी मानचित्र मापनी बराबर फोटो दूरी रेशो मानचित्र दूरी। ए तो वे फोटो मापनी SP से बराबर फोटो दूरी DP से रेशो मानचित्र दूरी DM×मानचित्र मापनी कारक MSF। प्रश्न 6.2। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का माप 2 सेंटीमीटर है। वायो फोटो पर संगत दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोटोग्राफ की मापनी की गणना कीजिए जबकि मानचित्र की मापनी 1:50,000 है। हल कीजिए SP/DP/DM×MSF अर्थात इक्वल SP=10 cm × 2×50,000 =10 cm/1 लाख सेंटीमीटर अर्थात 1:1 लाख/10 = 10,000 सेंटीमीटर अथवा 1 SP=1 इकाई = 10,000 इकाइयों को व्यक्त करती है अर्थात SP=1:10,000। तृतीय विधि फोकस दूरी एवं वायुयान के उड़ान ऊंचाई h के बीच का संबंध स्थापित करना। यदि मानचित्र एवं फोटोग्राफ की सापेक्ष दूरियों की कोई भी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं हो लेकिन कैमरे की फोकस दूरी तथा वायुयान की उड़ान ऊंचाई h के संबंध में जानकारी हो तो फोटो मापनी प्राप्त की जा सकती है। चित्र 6.15। यदि दिया गया वायवा ये चित्र APB और फोकल लेंथ f और हाइट h APB चित्र 6.15 कैमरे की फोकस दूरी f तथा वायुयान की
उड़ान की ऊंचाई h, फोटो पूर्णतः एवं अथवा आंशिक रूप से ऊर्ध्वाधर हो तथा चित्रित भूभाग समतल हो तो प्राप्त फोटो मापनी की शुद्धता अधिक होती है। अधिकतर ऊर्ध्वाधर फोटो में कैमरे की फोकस दूरी f तथा y1 की उड़ान ऊंचाई h की सीमांत जानकारी के रूप में लिया जाता है। बाक्स 6.2 फोटो मापनी सूत्र को प्राप्त करने के लिए चित्र 6.15 का उपयोग निम्न तरीके से किया जा सकता है। फोकस दूरी f बराबर f रेशो उड़ान ऊंचाई बराबर फोकस फोटो दूरी dp रेशो धरातलीय दूरी dg। प्रश्न 6.3 एक वायवक फोटो की मापनी की गणना कीजिए जब y1 की उड़ंत गांत यानी ऊंचाई 7500 मीटर तथा कैमरे की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एस पी बराबर एफ रेशो एच अर्थात एस पी बराबर 15 सेंटीमीटर रेशो 7500 इंटू 100 सेंटीमीटर अर्थात एस पी बराबर 1 रेशो 75 डबल ट्रिपल जीरो सिंगल जीरो डिवाइड बाई 15 यानी 1:50,000 होगा। बाक्स 6.2 ऊर्ध्वाधर वायवक फोटो पर खींचा गया उपांतीय जानकारी प्रतिबिंब अंश निर्देश चिन्ह ये 793/5/23 3000 मीटर उड़ान की ऊंचाई नीति सूचक फोटो निर्देशित है। 793 एक फोटो बी निर्देश संख्या है जिसकी देखभाल भारतीय सर्वेक्षण की 73APFPS पार्टी द्वारा की जाती है। बी एक है जो वर्तमान फोटोग्राफी करती है। भारत में 3 उड़ान एजेंसी ही सरकारी अनुमति से वायवक फोटो ले सकती हैं। ये एजेंसियां हैं भारतीय वायुसेना वायु सर्वे कंपनी कोलकाता तथा भारतीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद जिन्हें फोटोग्राफ पर क्रमशः ए बी एवं सी से दर्शाया जाता है। 5 स्ट्रिप संख्या है और स्ट्रिप 5 में 23 फोटो की संख्या है।